plane. सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री का आज का ये एपिसोड एक ऐसे सीरियल किलर सीरियल रेपिस्ट के बारे में है जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा मासूम बच्चों के साथ न सिर्फ बलात्कार किया था बल्कि इन्हें तड़पा तड़पा कर कत्ल भी कर दिया था। इंसानी माशरे में कभी कभी ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिनके बारे में सोच कर ही कई रातों की नींदें उड़ जाती हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई इंसान इतना भी शंकी हो सकता है। लोग इसे हैवानियत और तरह तरह के अजीब व गरीब और भयंक अलकाबात देते हैं मगर चंद दिनों या चंद हफ्तों की हद तक, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है कि इंसान अक्सर कई अहम और जरूरी बातों को न चाहते हुए भी भूल जाता है और फिर एक ऐसे ही वाकये का रूनुमा होना जरूरी हो जाता है इंसान को सतर्क करने के लिए। आज का ये सीरियल किलर इतना जालिम और बेरहम था कि इस सीरियल किलर रेपिस्ट ने कई बच्चों को जिंदा दफना दिया था। अपनी इस शैतानी सोच के चलते ही इसने खुद को अपने इलाके में जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना रखा था। सिर्फ 7 साल के अरसे में इस सीरियल किलर ने कई मासूम बच्चों को जिंदा दफनाया था और इनके शिकार तमाम बच्चों की उम्र 14 साल से कम थी। ये सीरियल किलर अपने बचपन से ही जराइम पेशा अफराद के साथ उठता बैठता था। अपने बचपन में ही इस सीरियल किलर ने जेल की सख्तियों को सहने और मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने के गुर अपने आकाओं से सीख लिए थे। इसे इनके नाम के बजाय कसाब के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये अपने शिकार पर इस तरह टूट पड़ता था जिस तरह कसाई बकरे पर। वो अपने हर शिकार को कत्ल करने से पहले इनके साथ बलात्कार करता था क्योंकि इनके बचपन में वो भी कुछ इसी तरह की हालात से गुजरा था और अपने गैंग के हर सदस्य के साथ इनके नाजायज संबंध थे। इस दौरान अहमद नामी एक 12 साल लड़के ने इनकी गैंग में शमूलियत अख्तियार की तो इस हैवान सीरियल किलर ने इनके साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की तो वो लड़का किसी तरह बचकर पुलिस में इनकी शिकायत कर डाली। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो किया मगर नाकाफी सबूतों की बिना पर इन्हें रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद इस सीरियल किलर ने इस लड़के को भी रेप करने के बाद कत्ल कर दिया। ये सीरियल किलर अक्सर अपनी रिहाइशगाह बदलता रहता था और अक्सर ऐसी जगहों का इंतखाब करता था जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर ना हो और अपनी हवस की प्यास बुझाने के वास्ते वो फुटपाथ पर सोने वाले गरीब बच्चों को लालच देकर अलग करता और बलात्कार के बाद इन्हें नीम मुर्दा हालत में ही दफना देता। 2006 में इस गैंग की जराइम उस वक्त मीडिया में आई जब इस गैंग के 2 कारिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस सीरियल किलर का असल नाम तो अब्दुल रहमान मंसूर था मगर लोग इसको अतुरबानी के नाम से जानते थे क्योंकि ये अपने हर शिकार को बलात्कार के बाद नंगा करके रेलवे ट्रैक पर फेंक देता था। इजिप्ट में अल-तुरबानी के मानी एक्सप्रेस ट्रेन के हैं। इसकी गिरफ्तारी के बाद इजिप्शियन सीरियल किलर मंसूर उर्फ अल-तुरबानी के नाम से कई रेस्टोरेंट और होटल्स खोले गए क्योंकि ये लोग इस इजिप्शियन सीरियल किलर सीरियल रेपिस्ट को मर्दानगी से तशबीह देते थे। शहर के कई ट्रांसपोर्टर्स और चरवाहों ने भी गाड़ियों और बेड बकरियों के नाम भी अल-तुरबानी रखे थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि कई बड़े बड़े बिजनेसिस के नाम भी तब्दील करके अल-तुरबानी रखा गया था क्योंकि ये वार्ड इजिप्ट का मशहूर तरीन वार्ड बन चुका था। इनको गिरफ्तार के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो इन्होंने अपने जराइम कबूल किए और अदालत ने इस सीरियल किलर रेपिस्ट को 2006 में सजाए मौत की सजा सुना दी। 4 साल इनको जेल में रखने के बाद 2010 में इन्हें फांसी दे दी गई और इजिप्ट के लोगों ने सूखा सांस लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।